हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप दान एक बार फिर आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकता है, बेस के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो एसिडिक ऑक्साइड की एक खास चीज के बारे में जानना होगा कि एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो अपने आप में ऑक्जी एसिड के एनहाइड्राइड होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इनका रिएक्शन के साथ, सॉरी वाटर के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि एसिडिक ऑक्साइड इन जनरल है क्या। ठीक है, ये अपने आप में ऑक्जी एसिड के एनहाइड्राइड होते हैं। ठीक है, ऑक्जी एसिड के एनहाइड्राइड क्या होते हैं वो आपको मैं उम्मीद करता हूं पता होगा। एनहाइड्राइड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया जाए। ठीक है, वाटर निकालने के बाद जो चीज बचेगी उसे आप एनहाइड्राइड बोलते हो। तो इधर ध्यान दीजिए, ये जो एनहाइड्राइड है इन एनहाइड्राइड को भी हम लोगों ने दो कैटेगरी में लिया हुआ है, सिंपल एनहाइड्राइड और दूसरा है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक, तो सिंपल एनहाइड्राइड क्या होते हैं और मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या होते हैं, जरा पहले इसको सुन लीजिए। सिंपल एनहाइड्राइड होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है। ठीक है, इस H2SO4 का सारा पानी अगर मैं निकाल दूं, ठीक है, सारा पानी निकालने का मतलब है कि 2H है तो इसके साथ एक ऑक्सीजन जाएगा, 2H कम हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बचेगा मेरे पास SO3। तो आप लोग बोलोगे SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। ठीक है, तो SO3 H2SO4 का एनहाइड्राइड है, वॉटर निकाल लेने से वो बना है। उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास HNO3 है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, पहले तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? एक है, जबकि वॉटर फॉर्म में या वॉटर बाहर निकालने के लिए मुझे मिनिमम क्या चाहिए, दो हाइड्रोजन तो चाहिए ना। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका डबल करते हुए, दुगना करते हुए जितना पानी मैं निकाल सकता हूं वो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो दो एच कम हो जाएंगे, दो नाइट्रोजन बचेंगे, 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास बचेगा N2O5। ठीक है, तो N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। तो जो एक सिंगल टाइप के ऑक्जी एसिड का एनहाइड्राइड होता है, जैसे ये H2SO4 का एनहाइड्राइड है, ये HNO3 का एनहाइड्राइड है, भले यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल यूज हुए हैं लेकिन है तो HNO3 का ही एनहाइड्राइड। ठीक है, तो जो सिंगल टाइप के ऑक्जी एसिड का एनहाइड्राइड होगा उसे आप लोग बोलोगे सिंपल एनहाइड्राइड। ठीक है, और दूसरी तरफ है आपके पास मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या होता है कि एक सिंगल ऑक्जी एसिड ना लेकर के आप दो या दो से ज्यादा, दो डिफरेंट टाइप के ऑक्जी एसिड अगर आप यूज करते हो, दो डिफरेंट टाइप के ऑक्जी एसिड लेते हो। ठीक है, मान लो आपने HNO3 ले लिया और एक ऑक्जी एसिड आपने HNO2 ले लिया। ठीक है, तो वहां पे जो डबल किया था वो दोनों HNO3 के लिए डबल किया था, लेकिन यहाँ एक HNO3 है, एक HNO2 है, और इसका अगर टोटल वॉटर निकाल दिया जाए तो 2H हट गए, कम हो गए, नाइट्रोजन 2 बचेंगे, ऑक्सीजन 3 और 2 5 है, जिसमें से एक चला जाएगा, 4 बचेंगे। ठीक है, यानी अपने पास बचेगा N2O4। इवन आप लोग इतनी इनऑर्गेनिक की नॉलेज रखते हैं कि N2O4 अपने आप में इक्विलियम पे एग्जिस्ट करता है NO2 के साथ। ठीक है, तो NO2 बोलिए या N2O4 बोलिए, ठीक है, ये दोनों एनहाइड्राइड हैं, किस चीज के, HNO3 प्लस HNO2 ऑक्जी एसिड के। ठीक है, तो इस टाइप के एनहाइड्राइड को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड एनहाइड्राइड, जो दो डिफरेंट ऑक्जी एसिड का एनहाइड्राइड होगा। तो जो सिंगल टाइप के ऑक्जी एसिड का एनहाइड्राइड होगा वो सिंपल एनहाइड्राइड है, और जो डिफरेंट टाइप के ऑक्जी एसिड का एनहाइड्राइड है वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। तो जब हम इनकी रिएक्शन करने जाएंगे वॉटर के साथ तो आपको इनके पीछे ये कहानी, ये लॉजिक पता होना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सिंपल एनहाइड्राइड है और कौन मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या पता मैंने प्रोडक्ट बना के N2O4 बना के आपको दिखा दिया कि ये चलो मिक्स्ड है। ठीक है, अगर डायरेक्ट हमें पहचानना होगा कि कौन सिंपल और कौन मिक्स्ड है तो उसकी पहचान क्या होगी, जरा ये पहचान मेरे से सुन लीजिए। तो मैं अब आप लोगों के सामने पहचान डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, यही मेरी तरफ से एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा सिंपल एनहाइड्राइड है और कौन सा जो है मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग पहचानते हैं जिस एलिमेंट का वो ऑक्जी एसिड है तो, या वो एसिडिक ऑक्साइड है, एनहाइड्राइड है जिस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर देखिए।
ठीक है, जैसे यहाँ सल्फर है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे प्लस सिक्स, ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे प्लस सिक्स। और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, सल्फर बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली को, जिसका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर बनता है ग्रुप 16। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का प्लस 5। ठीक है, और इसका ग्रुप नंबर अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में तो इसका ग्रुप नंबर बनता है ग्रुप 15। ठीक है, तो एक बात आप देखिए, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और इस केस में ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। ठीक है, तो अगर इवन एंड इवन केस हो, क्या चीज इवन एंड इवन हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ग्रुप नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप नंबर दोनों इवन एंड इवन है या और एंड ऑड है, या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड है, तो उस कंडीशन में जो एनहाइड्राइड है वो अपने आप में एक सिंपल एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, तो आपको मैंने पहचान बताई है सिंपल एनहाइड्राइड की, कि आप ग्रुप नंबर देख लेना और आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना, दोनों इवन है या दोनों ऑड है, उस बेसिस पे वो पता चल जाएगा। अगर दोनों इवन है तो भी सिंपल है, अगर दोनों ऑड फॉर्म में है तो भी वो सिंपल एनहाइड्राइड है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं इस केस की, NO2 की। तो NO2 के केस में आप लोग देख ही रहे होंगे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर बन रही है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है प्लस 4, और इसका ग्रुप नंबर एज वहां पे भी बताएंगे, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर हुआ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ग्रुप नंबर सेम नहीं है, सेम से मेरा मतलब है कि एक इवन है एंड दूसरा जो है ऑड है। तो एक इवन और एक ऑड का केस अगर होगा आपके पास, तो एक इवन और एक ऑड के केस में जो एनहाइड्राइड होगा वो एनहाइड्राइड होगा ये वाला मिक्स एनहाइड्राइड। ठीक है, तो सिंपल एनहाइड्राइड की पहचान मैंने बताई और मिक्स की पहचान बताई, ये पहचान बताना ही मेरी तरफ से एक शॉर्ट ट्रिक थी, क्योंकि इसके बाद आप लोग प्रोडक्ट बना पाओगे इसका वाटर के अगेंस्ट रिएक्शन करने पे। ठीक है, तो सिंपल एनहाइड्राइड की पहचान होती है कि आप इवन इवन ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप नंबर रहे, ठीक है, और या ऑड एंड ऑड रहे। लेकिन अगर एक इवन है ऑक्सीडेशन नंबर में और ग्रुप नंबर ऑड है, तो उस कंडीशन में वो जो एनहाइड्राइड होगा वो अपने आप में एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, अच्छा अब अपने बात करते हैं इनके रिएक्शन की। ठीक है, तो भाई अभी तो मैंने ये समझाया ना कि एनहाइड्राइड क्या है, एनहाइड्राइड वाटर खींच के निकाला गया है ऑक्सी एसिड से। तो अगर मैं एनहाइड्राइड में वापस वाटर जोड़ूंगा तो क्या होगा, अगर मैं एनहाइड्राइड में वापस वाटर जोड़ दूंगा तो क्या होगा भाई, होगा क्या, ऑक्सी एसिड दोबारा बनेगा। ठीक है, एसओ थ्री को वाटर में डालूंगा तो जो वापस से H2SO4 बनेगा, N2O5 को पानी में डालूंगा तो वापस से HNO3 बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से NO2 को वापस से पानी में डालूंगा तो NO2 को वापस से पानी में डालूंगा तो अभी जो समझाया कि ये HNO3 प्लस HNO2 का एनहाइड्राइड है, तो NO2 को वाटर में डालूंगा तो HNO3 बनेगा प्लस HNO2 बनेगा। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि इस केस में क्योंकि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है तो इस केस में दो टाइप के एनहाइड्राइड बनेंगे, दो टाइप के ऑक्सी एसिड बनेंगे, ये एक सिंपल एनहाइड्राइड है तो इसमें एक सिंगल टाइप का ऑक्सी एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये पहचान बताना इसीलिए जरूरी था क्योंकि कल को आप इसको वाटर में डालो तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सी एसिड बनाना है, और ये NO2 को वाटर में डालो तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें वाटर में उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग दो ऑक्सी एसिड बनाने हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड और वो जो है सिंपल एनहाइड्राइड है। ठीक है, मिक्स्ड की सिंपल की पहचान दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, और मिक्स्ड की पहचान एक इवन होगा और एक ऑड होगा। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा रिएक्शन को देख लेते हैं, कुछ एनहाइड्राइड की रिएक्शन को, एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन को। हाँ भाई, तो अब उस चीज पे आते हैं जो मैं इस टॉपिक के लिए स्टार्ट किया था, एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन वॉटर के साथ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको ये पहचान लेना कि कौन सा सिंपल एनहाइड्राइड है और कौन सा जो है मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। 6 और 16, ऑक्सीडेशन नंबर 6, ग्रुप नंबर 16, तो ये बता रहा है कि ये सिंपल है। और सिंपल एनहाइड्राइड के केस में मैं आपको बोलूंगा कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का वो एलिमेंट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड सामने चुपचाप बना दीजिए। ठीक है, इस केस में आप लोग सिंपली बना दोगे H2SO4। ठीक है, ये प्लस 6 में है तो प्लस 6 का जो सल्फर का ऑक्सी एसिड होता है H2SO4 वो हमने बना दिया। तो नाइट्रोजन के N2O5 का केस, ठीक है, N2O5 में आप लोग देखें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी प्लस 5, ग्रुप नंबर 15,
तो ये भी कौन से वाला था, सिंपल एनहाइड्राइड था, ये भी सिंपल एनहाइड्राइड था। तो सिंपल एनहाइड्राइड होने के नाते आप लोगों को मैंने क्या बताया, क्या बताया कि जिस एलिमेंट, जिस ऑक्सीडेशन नंबर का वो एलिमेंट है, उस ऑक्सीडेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग चुपचाप ऑक्जी एसिड बना दीजिए। यानी आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्जी एसिड बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट में लिखोगे HNO3, ठीक है। वो अलग बात है कि इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे, नाइट्रोजन प्लस फाइव में था, वहां भी नाइट्रोजन जो है प्लस फाइव में, उसका ऑक्जी एसिड एज ए प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा एनहाइड्राइड है, ये है मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक इवन है और एक चीज ऑड है, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, इतना तो आप जान ही रहे हो कि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड होने के नाते इस केस में दो ऑक्जी एसिड बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए एक और खास चीज बता रहा हूं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड के केस में आप जब भी प्रोडक्ट बनाने जाएं वाटर के साथ रिएक्शन पे, तो उसमें एक ऑक्जी एसिड एक यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक ऑक्जी एसिड एक यूनिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे यहाँ पे ये प्लस फोर है, ठीक है, तो एक ऑक्जी एसिड बनाओगे जिसमें नाइट्रोजन प्लस थ्री में होना चाहिए, एक ऑक्जी एसिड बनाओगे जिसमें नाइट्रोजन प्लस फाइव में होना चाहिए, यानी एक टाइप का डिसप्रोपोर्शनेशन करवा दोगे, ठीक है। एक एक यूनिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्जी एसिड बनेगा और एक एक यूनिट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्जी एसिड बनेगा, जब आपको पता चल जाए कि ऑक्साइड जो है वो अपने आप में एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो प्लस थ्री वाला जो होगा वो कौन होगा भाई, नाइट्रोजन का प्लस थ्री का ऑक्जी एसिड कौन होता है, वो होता है HNO2, ठीक है। नाइट्रोजन का प्लस फाइव का ऑक्जी एसिड कौन होता है, वो होता है HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एनहाइड्राइड अगर है तो आप एक सिंगल ऑक्जी एसिड बनाओगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, अगर आपके पास मिक्स्ड एनहाइड्राइड है तो आप लोग दो ऑक्जी एसिड बनाओगे डिसप्रोपोर्शनेशन कराते हुए, एक एक यूनिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक एक यूनिट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। जैसे प्लस फोर था तो एक प्लस थ्री का बनेगा, एक बनेगा प्लस फाइव का, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले एनहाइड्राइड की पहचान बताई है, फिर उन एनहाइड्राइड की पहचान के आधार पर मैंने वाटर के साथ उनकी रिएक्शन बताई है। अब मैं कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं इस पहचान को यूज करते हुए और इस पॉइंट को यूज करते हुए, ठीक है। आप लोग उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। रोक दिए ना, तो मैं अब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन ऑक्साइड्स को CO2, SO2, Cl2O7, Cl2O5, Cl2O6, ClO3, ClO2, जीनोम ऑक्साइड XeO3, उसके अलावा P4O10, क्रोमियम का ऑक्साइड CrO3, N2O, NOCO, इनको पहचानते हुए कि ये सिंपल एनहाइड्राइड है या मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, उसके अकॉर्डिंग इनका वाटर के साथ प्रोडक्ट लिखो। सिंपल के केस में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एक ही ऑक्जी एसिड और मिक्स्ड के केस में दो ऑक्जी एसिड, एक एक यूनिट कम ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक एक यूनिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्जी एसिड एज ए प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ी देर के लिए इन सब के करस्पॉन्डिंग जल्दी से प्रोडक्ट ट्राई करिए, फिर मैं अपनी तरफ से करवाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको ट्राई किया है, ठीक है। तो अब मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ प्लस फोर, ग्रुप नंबर हुआ 12, यानी सिंपल एनहाइड्राइड। तो आप लोग प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट का ही ऑक्जी एसिड इसके सामने बना देंगे, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा H2CO3। उसके अलावा ये सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर, ग्रुप नंबर 16, तो इसका मतलब ये भी हुआ अपने आप में सिंपल एनहाइड्राइड, और सिंपल एनहाइड्राइड हुआ तो प्लस फोर के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्जी एसिड होता है सल्फर का वो होता है H2SO3, ये आप बना देंगे, ठीक है। क्लोरीन का Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। तो इस ये भी अपने आप में, क्योंकि दोनों ऑड एंड ऑड हैं, तो इस बेसिस पे ये एक सिंपल एनहाइड्राइड हुआ, तो इस केस में भी आप प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्जी एसिड होगा वही ऑक्जी एसिड यहाँ एज ए प्रोडक्ट बना देंगे HClO4, ठीक है, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 7, ठीक है। तो इसके यहाँ की दो मॉलिक्यूल बनेंगे, तो दो मॉलिक्यूल बना लेना यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली। इधर ध्यान दीजिए, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 5 और ग्रुप नंबर है 17,
तो इसका मतलब ये भी ऑड एंड ऑड है, तो ये भी अपने आप में सिंपल एनहाइड्राइड है। और अगर ये सिंपल एनहाइड्राइड है तो इस केस में भी आप प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट का जो इसका ऑक्जी एसिड है HClO3 ये आप बना देंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पे, क्लोरीन का ये Cl2O6, तो Cl2O6 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और ग्रुप नंबर है इसका 17। ठीक है, तो एक इवन है एक ओड है, तो ये है अपने आप में मिक्स्ड एनहाइड्राइड। और मिक्स्ड एनहाइड्राइड के केस में मैंने आपसे बोला है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उससे एक यूनिट हायर वाला और एक यूनिट लोअर वाला दो ऑक्जी एसिड आप एज ए प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो प्लस सिक्स में होने का मतलब है कि एक में प्लस फाइव वाला और एक में प्लस सेवन वाला, ये दो ऑक्जी एसिड को एज ए प्रोडक्ट बनाऊंगा। एक होगा HClO3, यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 HClO3, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और एक होगा HClO4 जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। इसमें केवल HClO4 बना था, इसमें केवल HClO3 बना था, इसमें HClO3 भी बनेगा और HClO4 भी बनेगा। ठीक है, इस केस में भी पहली बात तो ClO3 खुद अपने आप, सॉरी Cl2O6 जो है वो अपने आप में ClO3 का डाइमर ही है। ठीक है, क्लोरीन डबल है, ऑक्सीजन डबल है। ठीक है, तो ClO3 डाइमराइज होकर Cl2O6 बनाता है, तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, +6 और +7। ठीक है, ये भी मिक्स्ड एनहाइड्राइड है और मिक्स्ड एनहाइड्राइड के करस्पॉन्डिंगली +5 वाला और +7 वाला, यानी HClO3 +5 में HClO4 +7 में ये दो प्रोडक्ट हम लोगों ने बना दिए। ClO2 को भी पहचान पाई रहे हो, +4 यानी इवन, 17 यानी ग्रुप नंबर 17 यानी ओड, तो ये भी एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। इसमें भी दो ऑक्जी एसिड बनेंगे, एक +3 का, +3 वाला हो जाएगा HClO2, एक +5 का HClO3 जिसमें क्लोरीन +3 में है और क्लोरीन +5 में है। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, HCO3 प्लस वॉटर, दोनों इवन और इवन है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 18 है, तो एक ही ऑक्जी एसिड बनेगा और वो ऑक्जी एसिड होगा H2XeO4। ठीक है, तो ये एक सिंगल ऑक्जी एसिड इस केस में बनेगा। फॉस्फोरस के केस में P4O10 के केस में इसका ग्रुप नंबर है +5 और सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ग्रुप नंबर है 15 नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल एनहाइड्राइड है और सिंपल एनहाइड्राइड होने के नाते इसका भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H3PO4 +5 वाला। हालांकि ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस स्टेट से गुजरेगा, बीच में इसमें कुछ कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये बना आपके पास H3PO4। ठीक है, +5 के करस्पॉन्डिंग +5 वाला ऑक्जी एसिड। क्रोमियम यहाँ +6 में है, ग्रुप नंबर भी 6 ही होता है इसका, ये भी एक सिंपल एनहाइड्राइड हुआ और सिंपल एनहाइड्राइड होने के नाते सिंपल एसिडिक एनहाइड्राइड है ये। ठीक है, हालांकि ये मेटेलिक ऑक्साइड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं +5 +6 +7 वगैरह में, तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं ना कि बेसिक। ठीक है, तो +6 और 6, ये ग्रुप नंबर भी 6 सिंपल एनहाइड्राइड हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा क्रोमिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CrO4 और इसको बोलते हो आप क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अच्छा, जहां तक इन ऑक्साइड्स की वॉटर के साथ रिएक्शन की बात है, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये रिएक्शन किसकी है, एसिडिक ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मोस्टली एसिडिक होते हैं, लेकिन जब भी इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है पीरियोडिक टेबल के अंदर ही आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है मोस्टली, ठीक है, कि कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और वो न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कौन कौन आता है, N2O आता है, CO आता है, NO आता है। ठीक है, N2O, CO, NO, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और एक वॉटर। ठीक है, ये चार ऐसे केस हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये आपके नॉलेज में होने चाहिए, ये क्लास में बताया जाता है। ठीक है, तो CO, N2O, NO ये न्यूट्रल है ना कि एसिडिक, तो ये न्यूट्रल होने के नाते इन किसी की भी वॉटर के साथ जो है रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सिर्फ वॉटर की रिएक्शन होगी जो एसिडिक नेचर के ऑक्साइड है। चलो, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन्हीं एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ। मान लो आपको बोला गया SO3 गैस को NaOH सॉल्यूशन से पास किया गया, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा।
ठीक है, ये बहुत सिंपल केस है, साधारण सा केस है, तो सुन लीजिए इस केस में, ठीक है। क्योंकि देखिए यह एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक बार के लिए आप यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि आप इसको NaOH में नहीं डाल रहे हैं, आप इसको डाल रहे हैं पानी में, ठीक है। इस रिएक्शन को दो स्टेप में तोड़ लीजिए, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि SO3 को आपने एक्वस के नाम पे वॉटर में एड किया है, और वॉटर में एड किया तो मैंने अभी अभी बताया कि SO3 प्लस H2O जो है प्रोडक्ट में बनाएगा H2SO4, ठीक है। अच्छा H2SO4 बना है, अब ये जो बना हुआ एसिड है H2SO4, ये बेस के साथ यानी NaOH के साथ दूसरे स्टेप में रिएक्ट कर रहा है, ये आप अपने मन में अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। कि ये जितने भी एसिडिक ऑक्साइड की जो मैंने वॉटर के साथ रिएक्शन करवाई थी, पहले वो रिएक्शन हो रही है, फिर वो उसमें जो बेस प्रेजेंट है उस बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो H2SO4 बना जो NaOH से रिएक्ट करेगा, दो मोल NaOH से रिएक्ट करेगा, और क्योंकि एक सिंगल सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 प्लस दो मॉलिक्यूल वॉटर के, ठीक है। तो अब अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो तो आप लोग देखोगे कि एक SO3 यूज हो रहा है, दो NaOH यूज हो रहे हैं, एक वॉटर मॉलिक्यूल यहां यूज हो रहा है, दो वॉटर मॉलिक्यूल यहां फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके लिखना चाहोगे तो बैलेंस रिएक्शन बनेगी आपके पास SO3 एक मॉलिक्यूल, NaOH दो, उसके बाद रिएक्शन में प्रोडक्ट में आप लोग बनाओगे Na2SO4, ठीक है। हालांकि यहाँ दो वॉटर है लेकिन एक वॉटर वहां कंज्यूम भी हुआ है, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस में देखा जाए तो केवल एक वॉटर ही प्रोडक्ट साइड बचेगा, तो SO3 प्लस NaOH का कॉम्बिनेशन आपको देगा Na2SO4 प्लस H2O। इसी तरीके से अगर आप लोगों को रिएक्शन डिस्कस करनी है NO2 गैस, ठीक है, प्लस NaOH एक्वस, इसके साथ आपको ये प्रोडक्ट बनाने को बोला गया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बोला कि आप ये मान के चलें कि पहले NO2 जो है वो वॉटर पार्ट से रिएक्ट करके ऑक्जी एसिड बना रहा है, बना हुआ ऑक्जी एसिड NaOH से रिएक्ट कर रहा है, दो स्टेप में तोड़ के चलें इस रिएक्शन को। तो NO2 की वॉटर के साथ रिएक्शन मैंने अभी अभी बताई है आप लोगों को, ठीक है। NO2 के केस में वॉटर के साथ रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट का है, इसलिए इसके सामने बनने वाले दो ऑक्जी एसिड होंगे, एक ऑक्जी एसिड होगा HNO2, एक ऑक्जी एसिड होगा HNO3, प्लस फोर है तो एक प्लस थ्री वाला होगा, एक प्लस फाइव वाला होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये भी एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा ही करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी जिसके चलते NaNO2 बनेगा, यहाँ पे भी प्लस NaOH रिएक्ट करेगा एसिड होने के नाते, यहाँ एक प्रोडक्ट NaNO3 बनेगा, ठीक है। प्लस यहाँ एक मॉलिक्यूल वॉटर का बनेगा, एक मॉलिक्यूल वॉटर का यहाँ पर बनेगा, ठीक। तो इस रिएक्शन को आप जब दो स्टेप में तोड़ के चले, तो अब अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो दो मॉलिक्यूल NO2 के रिएक्ट कर रहे हैं दो NaOH के साथ, और सामने प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बनेगा एक बनेगा NaNO2, ठीक है, NaNO2 एक्वस, दूसरा बनेगा NaNO3 एक्वस, और साथ में बनेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर। हालांकि वॉटर दो बनेंगे लेकिन हर बार ये एक जो वॉटर यहाँ कंज्यूम हो रहा है वो उस डिफरेंस को कम कर देगा। तो जो रिएक्शन SO3 की थी वहां तो सिंपली Na2SO4 बना, और वही रिएक्शन जब NO2 की हो रही है तो दो टाइप के सोल्ट आप लोग देखोगे, NaNO2 देखोगे सोल्ट में, और NaNO3 देखोगे प्लस वॉटर बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ रिएक्शन आप लोग जल्दी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म में बना दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग अब SO2 प्लस NaOH की रिएक्शन को, CO2 प्लस NaOH एक्वस की रिएक्शन को N2O5 के साथ, Cl2O5 के साथ, Cl2O7 के साथ और Cl2O6 के साथ इन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है आप लोग लिख के दिखाएं, ठीक है। इनमें आपको वही पहचानना है कि सिंपल एनहाइड्राइड कौन है और मिक्स्ड एनहाइड्राइड कौन है, ठीक है, कौन एक सिंगल टाइप का ऑक्जी एसिड देगा, कौन डबल टाइप का ऑक्जी एसिड, दो डिफरेंट टाइप के ऑक्जी एसिड देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका प्रोडक्ट लिखिए, वेट कर रहा हूं। तो आप लोगों ने इनके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बना लिए होंगे, ठीक है। ये सिंपल एनहाइड्राइड था प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग SO2 जब वॉटर में जाता, केवल वॉटर पार्ट को देखो तो H2SO3 बनता, H2SO3 वॉटर NaOH से रिएक्ट करता तो Na2SO3 बनता, Na2SO3 बनेगा और यहाँ पे एक वॉटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे CO2 जब वॉटर में जाता तो H2CO3 बनता, H2CO3 जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 बनेगा प्लस वॉटर, ठीक है।
N2O5 जो है, N2O5 भी अपने आप में कैसा एनहाइड्राइड है, ये भी सिंपल एनहाइड्राइड है। ये अगर सिर्फ वाटर के अंदर ऐड किया होता तो इस केस के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन बनता है HNO3, ठीक है। अभी ये सब करवाए हैं तो HNO3 बनता तो आप लोग N2O5 प्लस NaOH की रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाओगे, आप वो प्रोडक्ट बनाओगे जो HNO3 प्लस NaOH के चलते बन रहा है। NaNO3 बनेगा, ठीक है, प्लस वॉटर बनेगा। तो दो मॉलिक्यूल, यहां दो, यहां पे वॉटर। Cl2O5 की अगर बात करें तो ये भी सिंपल एनहाइड्राइड है प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। तो इसको अगर केवल वॉटर में डाला होता तो केवल वॉटर में डालने पे इसके करस्पॉन्डिंग HClO3 बनता। तो इस केस में यहां सोल्ट बनेगा, सोल्ट के नाम पे यहां पे बनेगा 2NaClO3 प्लस वॉटर। Cl2O7 प्लस 7 में है, सिंपल एनहाइड्राइड है, इसको वॉटर में डाले होते तो HClO4 बनता, और HClO4 बनता तो अब ये उसका सोल्ट बनेगा, यानी ये बनेगा 2NaClO4 प्लस वॉटर, ठीक है। लेकिन 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 Cl2O6 में, ठीक है, Cl2O6 आप पहचान पा रहे होंगे कि ये प्लस 6 में है, जबकि ग्रुप नंबर इसका 17 है, ठीक है। तो ये इवन ऑड का केस है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, और मिक्स्ड एनहाइड्राइड है तो ये वॉटर में अगर आप इसको डालोगे तो 1+5 वाला HClO3 और 1+7 वाला HClO4, ये दो एनहाइड्राइड इस केस में बनेंगे, +5 वाला और +7 वाला, ये दो एनहाइड्राइड बनेंगे इस केस में। तो आपके पास इसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी दो सोल्ट होंगे, NaClO3 भी होगा, NaClO4 भी होगा। एक प्रोडक्ट NaClO3 होगा, एक प्रोडक्ट NaClO4 होगा, वॉटर मॉलिक्यूल एक होगा, यहाँ 2 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये पहचानते हुए कि सिंपल एनहाइड्राइड है या मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तो उसकी वॉटर के अलावा बेस के साथ रिएक्शन भी लिख सकते हो। आपको काम बस इतना ही करना है कि पहले आप ये मान के चलना कि आपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है, वॉटर पार्ट के साथ रिएक्शन करवाई है, और बनने वाले ऑक्सी एसिड की आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई है जिससे सोल्ट बनेगा, ठीक है। तो अब एक छोटी सी चीज और सुन लीजिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपसे डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। NO2 प्लस वॉटर की जो रिएक्शन थी और उसमें मैंने प्रोडक्ट बनवाया आप लोगों से HNO2 प्लस HNO3, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि यही रिएक्शन आप जब NCRT में देखते हैं, NCRT में ये रिएक्शन दी हुई है ऑस्ट्रोल मेथड में HNO3 बनाने के मेथड में, ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो उनके उन रिएक्शन में एक स्टेप ये भी है, लेकिन उसमें ये प्रोडक्ट नहीं बनाया गया जो मैंने बनाया, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनाया गया जरा सुन लीजिए, NO2 प्लस H2O, ठीक है, और प्रोडक्ट इसमें बनाया गया है NO प्लस HNO3, ठीक है। तो क्या मेरा प्रोडक्ट गलत है? अगर NCERT ये कह रही है तो आप लोग यही सोचोगे कि मेरे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट गलत है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट ये भी सही है, प्रोडक्ट ये भी सही है, ठीक है। उसका कारण है, कारण क्या है कि HNO2 जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़े होंगे कि जो रिएक्शन HNO2 की हेल्प से होनी चाहिए थी वो रिएक्शन आप लोग NaNO2 प्लस HCl के कॉम्बिनेशन से करवाते हो, ठीक है। इसका पर्पज यही होता है कि ये जनरेट करता है HNO2, ठीक है, डायजोनियम सोल्ट वगैरह वाली रिएक्शन पढ़े हो, उस रिएक्शन में HNO2 ही यूज होता है, लेकिन उसको बनाते हैं हम लोग रिएक्शन के दौरान NaNO2 प्लस HCl से। क्यों? क्योंकि HNO2 इतना अनस्टेबल होता है कि उसे हम स्टोर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो NO2 प्लस वॉटर की जो रिएक्शन है उसमें पहले बनता है HNO2 ही है, इसलिए मेरा पॉइंट भी सही है। लेकिन ये बनने के बाद अगर इसको कुछ और नहीं मिलेगा रिएक्ट करने को, तो उस कंडीशन में ये धीरे धीरे वापस अपने आप डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है NO गैस में प्लस HNO3 में, ठीक है। तो ये HNO2 बना हुआ जो HNO2 है, ठीक है, प्रोडक्ट ये बना, लेकिन ये बन के फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है अनस्टेबल होने, ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो अनस्टेबल होने के नाते कारण ये आगे टूट जाता है NO प्लस HNO3 में। तो इसलिए NCERT में उन्होंने उस फाइनल प्रोडक्ट को शो किया है NO प्लस HNO3। लेकिन अगर इस HNO2 को किसी और कंपाउंड में आप बदल दोगे, जैसे NaOH के साथ रिएक्ट करा के अगर आप इसे NaNO2 में बदल दोगे, तो वो फिर डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा और आपको ये चीज उस प्रोडक्ट में दिखाई देगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला है NO2 प्लस NaOH की जो रिएक्शन होगी उसमें एक प्रोडक्ट NaNO2 होता है और एक प्रोडक्ट NaNO3 होता है, ये सही है, ठीक है। इसका कारण यही है कि
इसमें पहले HNO2 बनता है और HNO3 बनता है जो NaNO2 में जाता है और NaNO3 में जाता है, ठीक है। लेकिन अगर HNO2 को कोई नहीं मिलेगा रिएक्ट करने को तो अपने आप से डिस्प्रोपोर्शनेट होगा क्योंकि अनस्टेबल होता है और बदले में NO प्लस HNO3 में जाता है, तो इसलिए मेरे द्वारा लिखा गया प्रोडक्ट भी सही है क्योंकि उस सिक्वेंस में पहले यही बनता है, बाद में ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है NO प्लस HNO3 में। और ये रिएक्शन आप लोग ओस्टवाल मेथड वाले में, नाइट्रिक एसिड बनाने के मेथड में आप लोग इस रिएक्शन को देखोगे, ठीक है। चलो इसके अलावा और बहुत सारे मेरे पास शॉर्ट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को, ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताते रहिए, मैं कुछ कुछ लाता रहूंगा वरना चुप बैठ जाऊंगा, ठीक। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे ये डिपेंड करेगा। लाइक अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करिए और कुछ अच्छे पॉइंट्स पे, अभी तो बहुत कुछ है अपने पास बताने के लिए, ठीक है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो आप लाइक शेयर करते रहिए, मैं रोजाना कुछ ना कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में देता रहूंगा। चलो ठीक।